अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। शदीद धुंध पड़ी हुई है और शदीद धुंध के लिए बहुत ही मज़े का सादा सा नाश्ता है आपके लिए। बेसन का चीला, 2 कप बेसन चाहिए, छान लेते हैं इसको। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दें, 1/2 टीस्पून अगर कम आपको स्पाइस चाहिए हो, नहीं तो 1 टीस्पून फुल डाल दें। हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और नमक। इसके बाद लहसुन का पाउडर है, प्याज है, धनिया के पत्ते हैं और सब्ज़ मिर्च है। हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट के डाल दें। ये सारी चीज़ें इसमें डालें और 2 चम्मच इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल भी चला गया इसमें। ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला सा करके बना लेंगे। ये तकरीबन आधे से 1 कप पानी जो है इसमें बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर 2 चम्मच ऑयल डालें तवे पर, पैन में, जहाँ पर आप बनाना चाहें। ये आम इस्तेमाल का तवा है, नॉनस्टिक नहीं है, जिसपे मैं बना रही हूँ। और इसमें मिक्सचर डाल दें चम्मच भर के, चाहे तो छोटे चम्मच के साथ कर सकते हैं, और इस तरह इसको फैला दें। ये मैं बहुत छोटे साइज़ में बना रही हूँ, आसानी से आप इसको खा सकते हैं। अपनी पसंद का बना लें, थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो भी बनाया जा सकता है। ये थोड़ा सा बन गया नीचे से। अब मैं तवे पे दूसरा जो है चीला बनाने के लिए डाल रही हूँ उसका मिक्सचर बेसन का। वो पहले नीचे से थोड़ा सा पक गया है, उसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि तीसरा चीला डालने के लिए भी जगह बन जाए। तो एक आम साइज़ का जो पैन है, तवा है, उसके ऊपर आप 3 बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप ही अपनी चॉइस है, चाहे तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे बाइट्स के लिए बनाया है। ये आपके 2 या 3 बाइट्स बनते हैं, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। नाश्ते के लिए बहुत बेहतरीन है, बच्चों के लंच बॉक्स में दिया जा सकता है। और ये चटहारा है जायका चेंज करने के लिए, ख़ास तौर पे इस धुंध में। बेसन के आप फ़ायदे जानते हैं, बेसन जिस्म को गर्म रखता है, ताकत देता है। इसमें चने की दाल होती है और चने की दाल आपको पता है कि ये घोड़ों को स्पेशली खिलाई जाती है, ये बहुत ताकतवर होती है। ये काले चने की दाल का बेसन है, ताज़ा बेसन है, बिल्कुल फ्रेश, और उसी से हम बना रहे हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से बन जाएगा। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने दोबारा इस पर ऑयल शामिल नहीं किया। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा चीला जो है वो रेडी हो गया है। आप इसे अपनी पसंद के केचप या कोई भी चटनी इसके साथ आप खा सकते हैं, चाय के साथ खाइए और सर्दी का लुत्फ़ उठाइए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।